जय राधा माधव। भगवत स्वरूप आप सभी श्रोताओं को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, श्री तुकाराम चरित के इस भाग में हम विट्ठल शब्द की व्युत्पत्ति इसके विषय में श्रवण करेंगे। विट्ठल शब्द की व्युत्पत्ति विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाति गृहणाति विट्ठल, अर्थात ज्ञान शून्य यानी भोले भाले अज्ञजनों को जो अपनाते हैं वही विट्ठल हैं। यह व्याख्या विट्ठल शब्द की धर्म सिंधु कार काशीनाथ बाबा पाथे ने की है। तुकाराम जी के अभंग का एक चरण है, बीचा केला ठोबा मेहणों ने नाव बिठोबा, अर्थात वीका ठोबा अर्थात वाहन किया इसलिए नाम बिठोबा हुआ। वी यानी पक्षी गरुड़, गरुड़ को जिसने अपना वाहन बनाया उसका नाम विट्ठल हुआ। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि वी अर्थात विद यानी ज्ञान उसका ठोबा यानी आकार अर्थात ज्ञान का आकार, ज्ञान मूर्ति पर ब्रह्म की सगुण साकार मूर्ति। व्युत्पत्ति शास्त्र से विष्णु से विठो विठोबा होता है। प्राकृत भाषा के व्याकरण में विष्णु का विठु रूप होता है, जैसे मुष्ठ से मूठ अर्थात मुट्ठी, पृष्ठ से पाट अर्थात पीठ, वैसे ही विष्णु से विठु हुआ। ल प्रत्यय प्रेम सूचक है और वा आदर सूचक। कोई विट्ठल की विट स्थल यानी वीट अर्थात ईंट, जिसका स्थल है यानी जो ईंट पर खड़ा है ऐसा भी अर्थ लगाते हैं। सफ़ेद मिट्टी होने से उस स्थान को पंढरपुर कहते हैं, वहाँ ईंट के भट्टे रहे होंगे। पुंडलीक ने भगवान के बैठने के लिए उनके सामने जो ईंट रख दी इसका कारण भी यही हो सकता है कि चारों ओर ईंट के भट्टे होने से जहाँ तहाँ ईंटें पड़ी रहती होंगी और लोग बैठने के लिए भी उनका उपयोग करते होंगे। प्यारे श्रोताओं, विठोबा शब्द का धातु अर्थ कुछ भी हो पर विठोबा कहने से पिंडरी में ईंट पर खड़े भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का ही ध्यान होता है। श्रुति ने परमात्मा का ओम नाम रखा, उसी प्रकार भक्तों ने उन्हीं परमात्मा के व्यक्त रूप को श्री कृष्ण को विट्ठल नाम प्रदान किया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ओम तत्सदिति निर्देशः का व्याख्यान करते हुए प्रणव के संबंध में जो कुछ कहा है वही भगवान के विट्ठल नाम पर भी घट सकता है। उस ब्रह्म का कोई नाम नहीं, कोई जात नहीं, पर अविद्या वर्ग की रात में उसे पहचानने के लिए वेदों ने एक संकेत बनाया है। जब बालक पैदा होता है तब उसका कोई नाम नहीं होता, पीछे उसका जो नाम रखा जाता है उसी नाम पर वह हाँ कहकर उठता है। संसार दुख से दुखी जीव जो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आते हैं वे जिस नाम से पुकारते हैं वह यह नाम यह संकेत है। ब्रह्म का मौन भंग हो अद्वैत भाव से वह मिले ऐसा मंत्र वेदों ने करुणा करके निकाला है। उस एक संकेत से आनंद के साथ जिसने ब्रह्म को पुकारा सदा उसके पीछे रहने वाला वह ब्रह्म उसके सामने आ जाता है। अनाम अजात ब्रह्म की पहचान संसार दुख से दुखी जीवों को हो इसके लिए श्रुति ने जो नाम संकेत किया वह प्रणव शब्द से जाना जाता है। वैसे ही संतों ने जीवों को श्री कृष्ण की पहचान कराने के लिए उसी का विट्ठल नाम से निर्देश किया है और इस नाम से कोई पुकारता है श्री कृष्ण भी उसके सामने प्रकट होते हैं। श्री हरिवंश या श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को इस नाम से न भी पुकारा हो और भक्तों ने चाहे उनका यह एक नया ही नाम रखा हो तो भी नाम की नवीनता से अच्युत श्री कृष्ण का कृष्णपन तो च्युत नहीं होता। कई पुराणों में पंढरीपुर के श्री विट्ठल के उल्लेख हैं, पद्म पुराण में, उत्तरखंड गीता महात्म्य में। द्विभुजम विट्ठलम विष्णुम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, यह उल्लेख है। गरुड़ पुराण में विट्ठलम पांडुरंगे च व्यंकटाद्रो रमासकम, अर्थात पंढरपुर में विष्णु को विट्ठल कहते हैं ऐसा कहा है।
स्कंद पुराण में भीमा महात्म के अंदर पांडुरंग इति ख्यातो विष्णु विपुल भूतिदः यह उल्लेख है। और फिर उसी पुराण के चंदला महात्म में श्री विट्ठल का कमलावल्लभो देवः करुणारस सेवधे कहकर वर्णन किया है। प्यारे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण, भार्गव पुराण इत्यादि पुराणों में और श्रीमद् शंकराचार्य कृत पांडुरंग स्तोत्र आदि में भी श्री पंढरपुर निवासी पांडुरंग भगवान का वर्णन आया है। पंढरी क्षेत्र और श्री विट्ठल देवता अत्यंत प्राचीन हैं। पुराणों के जो अवतरण आपको अभी सुनाए गए उनसे यह स्पष्ट है कि श्री विष्णु ही श्री विट्ठल हैं। जय जय श्री राधे।